दिल्ली कांग्रेस कमेटी का अजय माकन को सदर बनाया गया है, हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और चुनौती भी बड़ी है, और जितनी बड़ी चुनौती होती है उतना ही बड़ा अवसर भी होता है, और मैं इसको तो एक बहुत बड़ा अवसर के तौर पर लेता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी वापस दिल्ली में हम बाउंस करेंगे। देखा जाए, कांग्रेस जो है अपोजिशन का रोल नहीं अदा कर पाई, अगर मरकज में देख लिया जाए, से आप असेंबली में जीरो पर आ गए, ऐसे में कैसे अपोजिशन का रोल होगा? देखिए, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में बेशक हमारी कोई सीट नहीं है, लेकिन हम कॉरपोरेशन में अभी भी हमारे 70 काउंसलर्स हैं और हम वहाँ पे मुख्य अपोजिशन हैं। पार्लियामेंट में भी हम प्रमुख अपोजिशन हैं, दोनों जगह बीजेपी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में है। तो अगर कोई समूचे कंप्लीट ऑपोजिशन का रोल प्ले कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और इसलिए हमारी ये कोशिश होगी कि मुद्दों के ऊपर आधारित और संगठन को मजबूत करते हुए हम अपना रोल प्ले करें। खुद अरविंद केजरीवाल ने जब शपथ लिया था कहा था कि अजय माकन के से वो सलाह लेंगे, उनके तजुर्बों का इस्तेमाल करेंगे, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, मैं उस वक्त भी कहा था और अभी भी मैं कहूँगा, और केजरीवाल जी की मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर लेकर के आए, और जो ज़रूरत थी उस वक्त, समय की जो ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ उनको एक सलाह भी मैं देना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता प्यार भी बहुत करती है और दिल्ली की जनता नाराज भी बहुत जोर से होती है, तो दिल्ली के जनता बहुत ध्यान से देख रही है, और पिछले जब से उन्होंने शपथ लिया है ऐसा लग रहा है कि वो अपने वायदों को पूरा करने की जगह वायदा ना पूरा करने के बहाने तलाश रहे हैं। जैसे सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही वो प्रधानमंत्री जी के पास गए और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये जानते हुए अच्छी तरीके से कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो तक में पूर्ण राज्य के दर्जे की बात नहीं करी। तो जब बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व में अपने राज्य की इकाई की बात नहीं मानी, तो वो अरविंद केजरीवाल की बात बीजेपी क्यों मान लेगी? फिर उसके बाद में वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास गए कि हरियाणा से और पानी पीने का दिल्ली में मिलना चाहिए, यह भली भांति जानते हुए कि हुड्डा साहब ने एज चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, शीला दीक्षित कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर होने दिल्ली की थी, और उनको मना कर दिया कि हमारे हरियाणा में पानी नहीं है तो मैं उनके लोगों के काट करके दिल्ली को कैसे दे सकता हूं। तो अब कैसे जो है वो हुड्डा साहब ने दिल्ली को कांग्रेस को नहीं दे पाए तो ये कैसे दे पाएंगे। तीसरा, फिर अब चीफ सेक्रेटरी की बात हुई तो जो अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार है वहां के चीफ सेक्रेटरी को मांग रहे हैं, गोवा में बीजेपी की सरकार है तो वहां के चीफ सेक्रेटरी को मांग रहे हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी अपना चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है वो इनको कैसे दे सकता है? कल को ये चीफ सेक्रेटरी किसी को अपॉइंट करेंगे, गोवा का चीफ मिनिस्टर वो मांगेगा तो क्या केंद्र सरकार उनको दे देगी? शीला दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, दूसरे लीडरों की जगह कहाँ होगी और एकता कैसे आएगी पार्टी में? सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत लंबी ट्रेन है, यहाँ पे अलग अलग डिब्बे हैं, कोई किसी डब्बे में बैठता है, कोई किसी डब्बे में बैठता है, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की ट्रेन में सबको चढ़ने का मौका जरूर मिल जाता है, तो कोई आगे के डब्बे, कोई पीछे के डब्बे, कोई ऊपर का बर्थ, कोई नीचे का बर्थ, सबके लिए यहाँ पे काम है और सबके लिए यहाँ पे जगह है और सब लोग मिलकर काम करते हैं। चुनाव के बाद जिस तरीके से आरोप का दौर चला, खुद सोनिया गांधी को बोलना पड़ा कि खामोश रहिए, ऐसे में कैसे अब जब आप तैयार करेंगे, पूरी टीम तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयार होगी? मैं समझता हूं कि अब एक ऐसा दौर आ गया है जब कांग्रेस के सब लोग ये समझते हैं अच्छी तरीके से, सबको मिलकर के चलना पड़ेगा, और अगर मिलकर के नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक ऐसे दौर के अंदर मेरा ये मानना है कि सब लोग जब मिलकर के चलना चाहते हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी और सब साथ चलेंगे। बहुत बहुत इस तरह अजय माकन साहब तमाम पूरी कांग्रेस कमेटी को साथ लाने की कोशिश करेंगे और तभी दिल्ली में कांग्रेस अपनी पहचान बना सकेगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।